What is light? What is light? Yes, very good. Very good, very good. Light is a form of energy which enables to see the object on which it falls. Yahi na hai. So, light energy ka ek form hai. और इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि एक अंधेरे रूम में दो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएगा, देखेगा नो, लेकिन जैसे ही हम लाइट को ऑन करें दोनों एक दूसरे को देख ले, यानी हमारा आंख तो उस समय भी मौजूद, लेकिन उसके बावजूद बिना लाइट के हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। ये लाइट ही एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म हुआ विच मेक्स अस एनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट फॉल। ओके, लाइट का आप ये भी जानते होंगे इट हैज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर है। क्या है ड्यूअल नेचर? एनीवन? नहीं नहीं, नॉन लिमिटनेस, लिमिटनेस तो सोर्स हो गया है ना, यस गुड। लाइट का ड्यूअल नेचर इस सेंस में हम लोग जानते हैं कि इट बिहेव्स एज अ दैट इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल आगमन, लेकिन दूसरी तरफ वो वेव है सब फॉलो करता है नेचर, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी सरफेस इट एक्ट एज अ, इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, और वो पार्टिकल हम लोग क्या एज्यूम किए कि वो एज अ फोटोन, उसको फोटोन नाम दिए। फोटोन मीन्स व्हाट? पैकेट ऑफ एनर्जी। ऐसा थोड़ी है कि वो पैकेट हमको दिख रहा है, वो एक बताने का एक पहली हुआ कि हम कहना चाह रहे हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल जिसको फोटोन कहते हैं, एंड दिस फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो जब किसी चीज पे गिरता है तो या तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होने के कारण को लगता है कि वो इल्यूमिनेट हो गया है ना, आप ऐसे समझिए ना भाई, जैसे एक बैलून में रंग भरे हुए खूब दूर उसको फेंक दिए, जब तक मैं फेंक, जब तक वो जा रहा है कुछ नहीं हुआ, नहीं ना हुआ ऑनलाइन वाले, हाँ, लेकिन जब ये वो किसी चीज से टकराया तो क्या हुआ, रंग आ जाता है, आ जाएगा ना, वही चीज है लाइट में। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, क्या रहा है फोटोन, और उस फोटोन में क्या है एनर्जी, और जो वो किसी चीज पे गिर जाता है तो आपको वहां पर क्या होता है, जगमग ऐसा दिखता है, कारण आपने उसके एनर्जी को रोका इस सरफेस पे, तो कहीं तो एनर्जी रिवील होगा, किसी दूसरे रूप में प्रकट होगा, होगा ना ऑनलाइन वाले, हाँ, जब ऑफलाइन से पूछना होगा तो ऑफलाइन ऑनलाइन बोल दिया करेंगे, ओके, हमारे बीच में ऑफलाइन में करीब 17 बच्चे बैठे हुए हैं, ओके, जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, अल्टरनेट बैठे हुए सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, इवन मी, तो देखो तो यहां पर बात उठता है कि वो पार्टिकल है या वेव,
तो दोनों दोनों डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. इफ इट इज प्रोपगेटिंग इट इज वेव, और किसी चीज पे टकराया पार्टिकल. तो ज्यादा इस पे ना जाए, ओके, बिकॉज वी हैव टू स्टडी रे ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स वी हैव नॉट टू स्टडी, रे ऑप्टिक्स. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स? विजिबल लाइट होता है, होता है विजिबल लाइट. आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि जब रे ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो 7 कलर में डिस्पर्स कर जाता है. ओके, वो 7 कलर में जो स्प्लिट हो जाता है, दिस फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन. डिस्पर्शन यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 कलर का कॉम्पोनेंट दिखा, दैट इज द विजिबल रेंज ऑफ लाइट. वही हम लोग को दिखता है ना. वायलेट कलर के वेवलेंथ के नीचे वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख पाते हैं. यहां पर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्यों? क्योंकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दिखता है, दिखता है बच्चे, तो लाइट तो दिखता है, लेकिन लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं दिखता है. ये क्या माजरा है? एक सर्टेन वेवलेंथ, वायलेट कलर का वेवलेंथ से लेकर रेड कलर का वेवलेंथ जो हुआ, इसके बीच के जो रेंज है उसको हम लोग देख पाते हैं. दैट इज विजिबल रेंज. सेम एज ऑडिबल रेंज का जो केस होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, उसके बीच तक को सुन पाते हैं, और उसके ना बियॉन्ड सुनते हैं ना उससे नीचे. ठीक, तो वो जो विजिबल रेंज है, जो उसका वेवलेंथ हुआ, उससे यदि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उस केस में रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे. ओके, अदरवाइज वेव ऑप्टिक्स. ज्यादा छोटा साइज हो गया. नाउ कम अनदर पॉइंट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बोलो? यस, व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस एंड बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हरे राम जी बोल रहे हैं क्या? कोई बच्चा है, उसका नाम क्या है? हेलो, ये इंसिडेंट रे हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे. This is reflected ray. Okay. And this is normal. And this is what? Online ke bachche, boliye. Very good. Tum log bolo, offline. Huh? This point. Point of incidence. एक दिन, हाँ हाँ मेरे बच्चे, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है ना?
जो बच्चा बोल रहा है पहले वाले पढ़ा रहे हैं तो ये बताओ कि कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है। कौन सा सेक्शन हो? हेलो। तो एक चीज कीजिए, मैं बता देता हूं आपको। आप लोग को भी इनको सुनाई दे रही है मेरी? लो, तो बड़ा दिक्कत हो गया दो बार। वीडियो नहीं दिख रहा है अब? ओके, चलिए ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? अर्पणा क्लास टेंथ दिए, चलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तुम्हारा भी आबादी को हो रहा था, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये चीज हो गया। अब देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन इन सेम प्लेस, दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे, कुछ मैं सवाल कर रहा हूं और साथ में ऑफलाइन वाले, ठीक। इफ अ इंसिडेंट रे इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द मिरर, देन व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 60 डिग्री। चलिए, यहां ऑफलाइन वाले 60, चलो एक दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले का क्विज करा देंगे, ठीक है, देखना है कौन जीतता है। एक दिन होगा ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन। सिक्सटी डिग्री इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन वाले ही जीतेंगे, है ना? हाँ नहीं, ऑनलाइन वाला का तो हम देख नहीं ना पा रहे हैं कि वो बुक से देखेगा कि गूगल से देखेगा। ओह, तब तो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल, या वेटिंग रूम, लेकिन अभी मेरा वेटिंग रूम में दिख नहीं रहा है कोई। अभी तो दिख नहीं रहा है, हो सकता है नेक्स्ट कनेक्ट। दिस इंसिडेंट इज अलोंग द नॉर्मल, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? हमारे यहां कुछ बच्चे बोल रहे हैं 90 डिग्री, जीरो, यस जीरो डिग्री होगा। ऑफलाइन में एक बच्चा बोल रहा है 90 डिग्री, ऑनलाइन में भी कोई बोल रहा है क्या?
जीरो डिग्री इज करेक्ट आंसर बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ओके एंड हियर इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल देयरफॉर जीरो डिग्री इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड एज वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना जीरो डिग्री ठीक वेरी गुड हाँ अच्छा एक रूटीन मैं भेजूंगा आप लोग को कि किस समय मेरा क्लास रहेगा क्योंकि कभी अब वो वाला बात नहीं रह गया कि 9 बजे साइंस रहेगा 10 बजे मैथ रह गया है ना तो वो रूटीन मेरा आपको जानना होगा या 10th बी का रूटीन जानना होगा 10th बी का रूटीन सबको अवेलेबल हो गया है नहीं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद ये तो प्लेन मिरर की बात हो गई अगर मैं प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन पे चर्चा करूं कि हाउ इमेज इज फॉर्म इन प्लेन मिरर क्या तरीका है इसका ऋषभ तो नहीं है ना हाँ ये देखिए आप ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा तो इससे जो रे निकलेगा एक मैंने ऐसा मान कर चला कि वो नॉर्मल गिर रहा है तो जैसे गया वैसे ही आएगा कहीं से आ रहा है मान लिया और ये ऑब्लिकली गिरा है ठीक है तो ऑब्लिकली गिरा है और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं है ना इसका मतलब ये भी लिंक नहीं किया जा रहा है दोनों जहां पर इंटरसेक्ट किया दैट इज इमेज ओके ठीक है तो आप ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे कि आप मिरर से जितना दूर रहते हैं इमेज उतना ही अंदर दूर बनता है और मिरर के यदि नजदीक जाते हैं तो इमेज भी नजदीक है होता है ना इट मीन्स इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये मिरर एंड वी विल कंसीडर टू ट्राइंगल दैट इज OMP एंड ट्राइंगल MIP ठीक MIP हियर we will follow law of reflection angle I is equal to r leveling ke liye marking 1 2 1 is equal to I hoga online wale kis kaaran se hoga very good alternate interior angle एंगल 2 इज इक्वल टू आर वेरी गुड कॉरेस्पॉन्डिंग और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स या कह सकते लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू आर एंड आई इज इक्वल टू 1 एंड एंगल आर इज इक्वल टू 2 यानी 1 और 2 बराबर है ना तो इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो इसका 1 इसके 2 के बराबर है ये 90 है तो ये 90 है और ये साइड कॉमन है
तो ए ए एफ नॉट एफ ए एफ, तो बाय ए एफ मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल आई एम पी, है ना। तो जब कॉन्वेंट हो गया तो क्या रिजल्ट है, ओ एम इज इक्वल टू एम आई होगा बच्चे। ओ एम इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड एम आई इज इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी का, ओ हाँ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर में थोड़ा बहुत होगा तो आपको न्यूमेरिकल में बनवाऊंगा, अदरवाइज प्लेन मिरर में कुछ और ज्यादा लॉ नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग स्पेक्ट्रल मिरर पढ़ेंगे तो वहां पर एक टॉपिक आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, वो इमेज का नेचर अलग अलग होता है। अब पढ़ेंगे बोलना गलत है, आप पढ़ चुके हैं, है ना, ये रिवीजन हो रहा है, हाँ, इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपको भी बताना है। अच्छा, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा बच्चे, फोकल लेंथ मैं पूछ रहा हूं, वेरी गुड, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, क्योंकि वो कर्व है ही नहीं, है ना। चलिए इस राउंड में आप लोग जीते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। बता रहा हूं, देखो ऑफलाइन में एक बच्चे का क्वेश्चन है कि इंफिनिटी कैसे होगा, तो अब आप कुछ कुछ टॉपिक तो याद रखना है। याद कीजिए मिरर फॉर्मूला, क्या है मिरर फॉर्मूला, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, ओके, लेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एफ, इमेज तो पीछे बनेगा तो वी इज इक्वल टू माइनस एफ, यानी वन बाय वी की जगह माइनस एफ, एक मिनट, या तो यू माइनस एफ कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, होगा ना, यहां साइड में रखना जाता है, ओके, वन बाई एफ, ये माइनस है बाबू, कैंसिल, वन बाई एफ इक्वल टू क्या आया, जल्दी बोलो, तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, ओहो, ऑनलाइन में भी कोई नहीं बता रहा है, ऑफलाइन में भी कोई नहीं बता रहा है, वेरी गुड, कौन है ये बच्चा, गुड, 1 by f is equal to 0 means 0 by 1. तो f को यदि मैं पलटू तो ये भी पलट जाएगा और ये आंसर देगा not defined. Okay? हो गया ना focal length of plane mirror क्या है? आया समझ में? गुड, जितना आप लोग का आवाज लड़खड़ाते हुए जा रहा है आता है, अगर मेरी आवाज उतने लड़खड़ाते हुए जाए तब तो क्लास हो ही नहीं पाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, ये होता है जी, कुछ लोग का आवाज आता है तो हाँ
गुड बाय मेरे प्यारे बच्चों।